शास्त्रीय मत के विधान से ये सब कार्य होता है, और चूंकि ये बुंदेलखंड का माना हुआ पर्व है, बुंदेलखंड के लोग जो है कृष्ण से जुड़े हुए हैं, पास में ही रणछोड़ धाम है, कृष्ण का यहाँ आगमन हुआ है, तो कृष्ण की यहाँ विशेष जो है लीला जो है चलती है, उनकी खेली जाती है, उनसे प्रेम करते हैं लोग। जहाँ तक आपने मौन व्रत का जो है कहा है, तो शास्त्रों का ऐसा मत है कि जब गायें गुम हो गई, गायें चली गई, तो उसके वियोग में सभी ग्वाल वालों ने मौन व्रत को रखा, और जब तक वो मिली नहीं तब तक वो मौन व्रत धारण करते रहे। और जहाँ तक नृत्य का प्रश्न उठता है, तो भगवान राम जब लंका से लौट करके आए, तो उसकी खुशी में ये सब ग्वाल बाल जो है और जितने भी मित्रगण हैं मोर पखा के साथ में नृत्य करते हैं, डांडिया नृत्य भी करते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। उनको ये लगता है कि हाँ, हमारे राम जो है हम लोगों के बीच में आए हुए।